दोस्तों स्टीवन स्मिथ ने अभी तक अपने आईपीएल करियर में सिर्फ एक शतक लगाया है और आज के इस वीडियो में हम आपको स्टीवन स्मिथ के उसी शतक का पूरा हाइलाइट्स बताने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार यह वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को देखते रहिए बिल्कुल लास्ट तक। और अगर आप भी स्टीवन स्मिथ को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2016 के उस मुकाबले के बारे में, जहां पर गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम आपस में भिड़ी थी। उस मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से स्टीवन स्मिथ खेला करते थे और उस मुकाबले में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए थे और उस मैच में स्टीवन स्मिथ ने काफी धमाकेदार बल्लेबाजी करी थी। हालांकि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का स्टार्ट सही नहीं था और सौरभ तिवारी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे स्टीवन स्मिथ और स्टीवन स्मिथ ने उस मुकाबले में 54 गेंदों में धमाकेदार शतक लगाया था, जहां पर उन्होंने अपने इस इनिंग के दौरान 8 चौके वहीं 5 शानदार छक्के लगाए थे। और अभी तक आईपीएल में स्टीवन स्मिथ का यह वन ऑफ द बेस्ट इनिंग माना जाता है, जहां पर स्टीवन स्मिथ ने अभी तक सिर्फ एक शतक लगाया है और वो भी गुजरात लायंस की टीम के खिलाफ लगाया था। 54 गेंदों में उन्होंने अपना शतक कंप्लीट किया था, 8 चौका और 5 छक्का उस मैच में इन्होंने लगाया था और इनका स्ट्राइक रेट 187 का था। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें उस मैच में एमएसडीबी ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां पर धोनी ने 18 गेंदों में 30 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी और इस इनिंग की बदौलत राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम 20 ओवर में निर्धारित 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाने में सफल हुई। उसके बाद गुजरात लायंस की टीम को 196 रनों का लक्ष्य दिया गया था और गुजरात लायंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था और स्टीवन स्मिथ का शतक जो था वो असफल हो गया था। हालांकि स्टीवन स्मिथ ने उस मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी और गुजरात लायंस की टीम इस मैच को जीत गई थी और स्टीवन स्मिथ के शतक बनाने के बावजूद उनकी टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स उस मैच में हार गई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद स्टीवन स्मिथ को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का कैप्टन बनाया गया और उनका कैप्टनसी में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और दोस्तों हम आपको बता दें स्टीवन स्मिथ ने अभी तक आईपीएल में सिर्फ एक शतक लगाया है, जो कि गुजरात लायंस के खिलाफ उन्होंने 54 गेंदों में लगाया था। तो दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।